से स्टार्स है जिनके बारे में हम बात करने वाले हैं। आपने टाइटल में देख लिया होगा, इट्स अबाउट जीसो एंड एक और एक्टर बताओ, एंड बो ही। अब इनके बारे में हम बात करेंगे, बट आई जस्ट वॉन्ट सम पीपल टू ज्वाइन, एंड वंस दे आर जस्ट सेंड मी अ हाई, एंड उसके बाद थोड़ा बातें शुरू करते हैं। आप में से कितने लोग के पॉप स्टार्स को सुनते हैं, देखते हैं? आई एम गोइंग टू टॉक अबाउट टू पीपल टूडे, एंड दीज आर दोज टू पीपल। जस्ट गोना सी, यस, फर्स्ट वन इज वेरी वेरी फेमस पर्सन। ही इज द एल्डेस्ट मेंबर ऑफ द वेरी वेरी पॉपुलर बैंड इन के पॉप म्यूजिक, विच इज ब्लैक पिंक, जिनका डेब्यू हुआ था 2016 में। और इनके कुछ मेंबर्स के नाम मैं आपको बताती हूँ, जिनका नाम है जेनी, रोजे, लीजा एंड जीसो। नाउ जीसो इज द वन जिसके बारे में आज बात करने वाली हूँ, एंड ये सबसे एल्डेस्ट मेंबर है, 28 इयर्स ओल्ड है, मेरे जितनी है ये। और अगर आप के पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री या के पॉप कल्चर के बारे में जानते हैं बीटीएस के अलावा, तो आप मुझे बताइए, आप मुझे टेक्स्ट करिए, बताइए कि आप के पॉप के बारे में क्या क्या जानते हैं। क्योंकि आज जिन दो लोगों की मैं बात कर रही हूँ, इनके डेटिंग रूमर्स बहुत घूम रहे हैं, क्योंकि जीसो और एन की बहुत सारी ऐसी बातें आ रही है, देर आई थिंक दे आर डेटिंग। क्या अभी कंफर्म है नहीं है ये हमको पता चलेगा, पर मैं आपको ये बात बता दूं कि के पॉप म्यूजिक इंडस्ट्री में बहुत सारे अमेजिंग सॉन्ग्स हैं ब्लैक पिंक के। हाय हाय एमी, हाउ आर यू? आई थिंक एमी को मैंने पहले भी देखा है मेरे किसी लाइफ में। इफ यू आर दैट सेम एमी, से हाय अगेन, आई विल गेट टू नो। एंड आई मीन, आपको मैं एक चीज बताऊं कि के पॉप में ना, जैसे हमारे बॉलीवुड में होता है कि अगर दो लोग डेट कर रहे हैं, तो उनकी एजेंसीज को, यानी जिन एजेंसीज के साथ वो काम कर रहे हैं, जिन एजेंसीज के साथ वो जुड़े हैं फॉर देयर प्रोफेशनल थिंग, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है बॉलीवुड में, बट नॉट इन द केस ऑफ के पॉप। के पॉप में ऐसा नहीं होता है, वहां पे यू हैव टू शो एंड यू आर नॉट दैट मच परमिटेड टू डेट समवन एंड हैव दोज रूमर्स। बट दिस टाइम एन बोहिम एंड जीसो ने थोड़ा सा इंडस्ट्री में चेंज लाने की कोशिश करी है, एंड फाइनली फाइनली ऐसा हो रहा है, और ऐसा लग रहा है कि कुछ चेंज आ सकता है, बिकॉज ये थोड़ा सा ना उनके लिए कॉन्ट्रोवर्शियल हो जाता है अगर वो डेट कर रहे होते हैं तो। बट मतलब इट इज वेरी एक्सट्रीमली रेयर कि एजेंसीज जो है वो अनाउंस करे दैट दीज गाइज आर डेटिंग, एंड दीज गाइज आर के पॉप आइडल्स। आई मीन, इनके लिए बहुत ही टफ है ऐसे अनाउंस करना, बट ऐसा हो रहा है। आई मीन, ब्लैक पिंक के कितने अमेजिंग सॉन्ग्स हैं यार, शट डाउन, आइसक्रीम, डू 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 डू, टाइट गर्ल, पिंक वेनम, बहुत अमेजिंग। और ये जिनको डेट कर रही हैं, इसके स्पेकुलेशन तब आए थे जब इनके घर पे, जीसो के घर पे इनको देखा गया था, एंड दे आर सेइंग कि वी आर गोइंग टू टेक इट पॉजिटिवली, जो हमारा रिलेशनशिप है, दैट वी आर गोइंग टू टेक इट स्लो, बट आप इसको प्लीज थोड़ा पॉजिटिव तरीके से देखें, एंड लेट्स सी क्या होता है। आपको मैं सुनाई दे रही हूँ ना, इज अ नेटवर्क इश्यू दैट यू थिंक देर इज, प्लीज टेल मी इफ देर इज। और अगर आप मुझे प्रॉपरली सुन पा रहे हैं तो प्लीज मुझे बताइए, मैं जरूर प्रॉब्लम को सॉर्ट करना चाहूंगी। बट पिंक, ब्लैक पिंक का ये जो ऐसे रेवलेशन हुआ है फॉर जीसो एंड एन, आई थिंक दे लुक वेरी क्यूट टुगेदर, राइट? सो क्या आप लोग बहुत एक्साइटेड हैं इसके लिए, है या नहीं है? जस्ट टेल मी अबाउट दैट। एंड अगर एंड चलो मुझे एक बात बताओ, आप में से अगर आप फॉलो करते हो के पॉप को, तो कोई एक मुझे शो बताओ जो एन ने किया है, और यू कैन टेल मी। चलो मैं बताती हूँ कि इन्होंने जो डेब्यू किया था ना, ये 35 ईयर्स के हैं, इन्होंने डेब्यू किया था एफ एन एंटरटेनमेंट के साथ 2014 में। इनके कोई एक शो बता दो, अगर आपको एन बो यान का पता है तो, पता है तो बताओ, मैं आपको थोड़ा सा हिंट दे दूं। सो हिंट है, बाय से नेम शुरू होता है उस शो का, सो यू हैव टू टेल मी द नेम ऑफ दैट शो जिससे बहुत पॉपुलर हो गए थे एंड बो ह्यू हिया जी, यहाँ की तरह हिया।
तो आप मुझे बताइए कौन सा है वो शो. और आई थिंक दे आर गोइंग टू गेट टुगेदर बिकॉज ब्लैक पिंक में सबसे ज्यादा अभी तो कोई और डेट नहीं कर रहा है, सिर्फ जीजो डेट कर रही है. एंड लेट्स सी मतलब कहाँ तक की रिलेशनशिप जाएगा. आई एम वेरी एक्साइटेड. इफ यू आर वेरी एक्साइटेड प्लीज टेल मी. हाई मॉरिस. बाकी तो भगवान ही जानता है. बट यू नो मतलब ही इज वन ऑफ द वेरी वेरी प्रॉमिसिंग एक्टर. नो, इस शो का नाम है यमी सेल्स. यमी और यूमी सेल्स, एक्चुअली यूमी सेल्स बोलते हैं उस शो को, जिसके लिए बहुत पॉपुलर हुए थे. एंड अगर आपने नहीं देखा है प्लीज गो वॉच. आई एम ऑल्सो गोइंग टू वॉच इट वेरी वेरी सून. और मैं भी यू नो एवरी डे आई गेट टू लर्न समथिंग न्यू, सो यू शुड ऑल्सो डू दैट. एंड यू नो इनके जो कोरियन कॉन्टेंट इंडस्ट्री है इसमें बहुत बहुत फेमस है. एंड एक्चुअली जीसो इज ऑल्सो एन एक्टर ना. सो लेट्स सी इनकी कौन सी जल्दी से आती है मूवी या कोई शो. अच्छा चलो एक काम करते हैं. आई डोंट थिंक सो राइट नाउ वी हैव अ लॉट ऑफ के पॉप फैंस हियर, बट अगर आपने कोई भी के पॉप सॉन्ग सुना है ब्लैक पिंक बैंड का सो टेल मी. हाय अंजना, हाउ आर यू, कैसे हो आप? हेलो, हाय प्रेम सिंह जी. हाय. हेलो, हाय प्रेम सिंह जी. तनु कौन है? तनु कौन है? हम बात कर रहे हैं के पॉप स्टार्स की, जिनके स्पेकुलेशन आए हैं, जिनके रूमर्स चल रहे हैं कि ये दोनों डेट कर रहे हैं. और एक है ब्लैक पिंक की सबसे एल्डेस्ट मेंबर, जिनका नाम है जीसो, और है हमारे राइट में एन बोहियांग. एन बोहियांग, ये देखो मतलब इन लोगों ने फाइनली कन्फेस कर लिया है कि यस वी आर डेटिंग, बट वी आर टेकिंग इट स्लो एंड वी रियली वॉन्ट यू गाइज टू यू नो लुक एट दिस रिलेशनशिप विद ऑल द वॉर्म्थ यू कैन. प्लीज इसको पॉजिटिवली देखे. और यू नो इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर एक्टर्स जिनकी प्राइवेट लाइफ इतना ज्यादा ओपन में होती है. हम बॉलीवुड में भी ये देखते हैं कि बहुत सारे रूमर्स फैलते हैं एंड वी डोंट थिंक अबाउट द यू नो द नेगेटिव इम्पैक्ट ऑफ इट, क्योंकि आप यू आर ऑलवेज इन द पब्लिक आई, राइट? सो इनके लिए कितना डिफिकल्ट है. और सबसे बड़ी बात है कि कोरियन इंडस्ट्री में यू नो के पॉप इंडस्ट्री में इट्स सॉरी के पॉप इंडस्ट्री में इतना बहुत डिफिकल्ट है ये कि आप ओपनली ये सब कर सकते हैं बिकॉज इट्स लाइक फोबिडन टू डू दीज थिंग्स. एंड इस बार उनकी एजेंसीज ने ऐसा फाइनली बोल दिया है दैट या यू नो बहुत ही वियर्ड चीज थी, बट स्टिल उन्होंने बोला. हाई प्रेम सिंह जी, हेलो, कैसे हैं आप? और देखते हैं अब क्या होता है. जेनी, जीसो, लीसा, रोजे, इन लोगों ने 2016 में डेब्यू किया था एंड यू नो क्विकली बहुत ही इन्होंने ग्लोबल स्टारडम ले लिया था. आप बीटीएस आर्मी है, यू आर बीटीएस आर्मी. बहुत सारे हैं यार. तनु इज सेइंग आई थिंक तनु इज बीटीएस आर्मी विच इज ग्रेट, बट आई थिंक ये जो ऑल गर्ल्स बैंड है, आई मीन क्या कमाल है यार. इनके गाने सुन लो लाइक अमेजिंग. एंड इतनी क्यूट सी है यार ये, बट मुझे तो बहुत पसंद है. लाइक रियली रियली आई लाइक देम. एंड इनको इनफैक्ट मतलब काफी अवार्ड्स मिले हैं यार. हाय हाय ऋषि की, हाउ आर यू, व्हाट्स अप? आई थिंक एवरीथिंग इज गोइंग ग्रेट. हम बात कर रहे हैं कैसे फाइनली ये जो टैलेंट एजेंसीज है एंड वो ही वहाँ की एंड ब्लैक पिंक मेंबर जीसो की, ये कैसे फाइनली रिवील कर रही है और कंफर्म कर रही है विद ऑल द एक्साइटमेंट इन द वर्ल्ड दैट यस यस दे आर डेटिंग. और सियोल में इनके फ्रेंड इनके घर पे इन्होंने देखा था लोगों ने पहले, बट नाउ दे आर डेटिंग, ऐसा हो रहा है. बट थोड़ा वेट करना है हमको और देखना है बहुत ही पॉजिटिवली इस रिलेशनशिप के लिए. एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट. अगर ऐसा होता है तो आई मीन बहुत ही अमेजिंग हो जाएगा. एन इज 35 years ओल्ड. दिस आर फेवरेट पर्सन जीसो इज 28 years ओल्ड एंड बोथ आर के पॉप आइडल. सो आई मीन मतलब बहुत ही मजा आ जाएगा अगर ऐसा हो जाएगा तो. डू यू वॉच के ड्रामाज? येस आई डू. आई हैव स्टार्टेड वॉचिंग के ड्रामाज एंड आई गॉट टू नो दैट दिस इज सच अ बिग थिंग. अच्छा यू टेल मी विच वन इज योर फेवरेट के ड्रामा. आई रिमेम्बर आई रिसेंटली वॉच वन वेर यू नो देर वॉज अ गर्ल
जिसको स्कूल में बहुत बहुत लोग जो उसके जो कल जो स्कूल के जो दूसरे स्टूडेंट्स होते हैं वो बहुत ज़्यादा टॉर्चर करते हैं, एंड देन वो धीरे 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 लाइक उसमें वो पतले की आग वो कैसे होती है, एंड लास्ट में जाकर वो कैसे सबको वापस वही चीज़ दिखाते हैं जो उसके साथ उन लोगों ने बचपन में किया होता है. एंड आई डोंट रिमेम्बर द नेम ऑफ द शो, इट्स अमेजिंग. अगर आपको याद है उस शो का नाम तो मुझे बताना. हाय हाय एवरीवन, जो लोग भी अभी ज्वाइन कर रहे हैं, हेलो कैसे हैं आप. बट गाइस अभी मेरे जाने का टाइम हो गया है, मुझे यहाँ से जाना पड़ेगा, बट हम मिलेंगे नेक्स्ट टाइम. आपको कोई टॉपिक पता हो के पॉप के बारे में और जिसके बारे में आप बात करना चाहते हो मुझसे, सो लेट्स डू दैट, एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट फॉर दिस रिलेशनशिप. एंड अगर इनके लिए अच्छा हो तो प्लीज प्लीज गॉड ऐसे ही बने रहे. सो जी सो एंड एंड बो यहाँ के लिए कॉन्ग्रेचुलेशंस, एंड थैंक यू सो मच गाइज फॉर वॉचिंग दिस लाइव शो, एंड वी विल गेट बैक टू यू वेरी वेरी सून. ओके बाय.